किसानों के सामने झुकी मोदी सरकार, वापस लिए तीनों कृषि कानून। पीएम मोदी ने कहा, किसानों की स्थिति को सुधारने के इसी महाअभियान में देश में तीन कृषि कानून लाए गए थे। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम तीनों कृषि कानून को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर दिया। वहीं किसानों में तीनों कृषि कानून वापस लेने की खुशी तो है, लेकिन किसान अभी भी धरना छोड़ने को तैयार नहीं है। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं सिंगू बॉर्डर पर। जी हाँ, जहाँ पिछले एक साल से किसान धरने पर बैठे थे, और वो धरने पर इसलिए बैठे थे क्योंकि सरकार ने तीन काले कृषि कानूनों को लागू किया था। किसान सिर्फ अपनी मांग को लेकर यहाँ पर बैठे थे कि इन तीन काले कानूनों को वापस ले लिया जाए। सरकार फाइनली किसानों के सामने झुक गई है। अब यहाँ पर किसानों के साथ साथ पूरे देश में एक खुशी की लहर दौड़ गई है कि भारत का किसान अब वही उन्हीं कानूनों कि भारत का किसान अब बिल्कुल खुश है। अगर भारत का किसान खुश है तो देश की जनता खुश है। आप देख सकते हैं पीछे की किस तरीके से लोग इतने खुश हैं, अपनी खुशी का इजहार वो कैसे कर रहे हैं। वो खुश क्यों ना हो, क्योंकि पूरे एक साल की उनकी मेहनत सफल हो गई है। आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, चाहे किसी भी तरह का मौसम हो, वो यहाँ से हिले नहीं। अब हम आपको मिलवाते हैं उन किसानों से जिनकी पिछले एक साल की मेहनत सफल हुई है। मोदी सरकार ने उनके सामने घुटने टेके और उनकी मांगों को माना है। सर, आपकी पिछले एक साल की मेहनत सफल हुई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप कितने खुश हैं? सबसे पहले तो देश विदेश की संगतों को वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। चलो, देर आए दुरुस्त आए, कुछ ना कुछ तो सरकार के दिमाग में बात आई कि किसान सही हैं। जिनको आतंकवादी बोल रहे थे, अब पता चल गया है कि ये किसान हैं, सही किसान हैं। तो हम ये मोदी ने जो किया है ठीक बोला है। अगर वो कहनी और कथनी में भी पूरे उतरेंगे फिर पता चलेगा। अगर MSP की गारंटी होगी, तीन बिल तो रद्द कर दिए, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो MSP की है। MSP लागू करेगी है, रहेगी, कहने से नहीं, लिखित में जब वो देंगे सभी किसानों को पता चलेगा, फिर ही हम मानेंगे कि ये बिल रद्द हुए हैं। बाकी बढ़िया बात है, मोदी कुछ ना कुछ तो बोला है, पाए देर से बोला है, बस इतनी बात कहना चाहता हूँ। अच्छा, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, पिछले एक साल से आंधी हो, तूफान हो, सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, ऐसी कौन सी बात थी जिसने आपको यहाँ बैठने के लिए इतना उत्साह दिया? यूनिटी। एक मिनट, जो हमारा इतिहास है ना सिखों का, हम तो यहाँ बैठे हैं, सब फैसिलिटी है, तरपालें भी है, टेंट भी है, तंबू लगे हुए हैं। हमारे जो गुरु थे जंगलों में घोड़ों की काठियों पर सोते थे, तो पत्ते खाकर भी टाइम पास करते थे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हमारे अपने गुरुओं से सीखा है, पूर्वजों से सीखा है, गुरु नानक पातशाह से लेकर गुरु गोबिंद सिंह से, बाबा बंदा सिंह बहादुर से। हमारा इतिहास ही ऐसा है। हमारे इतिहास ने बाबे नानक का जो लंगर है, लंगर ने हमें इतना देर तक जहाँ बैठा कर रखा हुआ है। जो हमारे गुरु हैं उनको हम कभी नहीं भूल सकते, हमारे गुरुओं की देन है जो हम आज हमारी जो जीत की नींव रखी गई है। इनका कहना है कि इनके यहाँ बैठने की जो इन्हें शक्ति मिलती थी इनके गुरुओं से मिलती थी। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि जब लिखित रूप में सरकार ये देगी, बात देगी, कानून देगी और MSP जब बनाएगी तब ये लोग पूरे तरीके से खुश होंगे। देखते हैं अब सरकार आगे इस बारे में क्या करती है। मैडम, हम बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत बहुत बधाई होवे सबको। किसानों की जित होगी, आगे भी किसानों की जित होगी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब आपकी मांग क्या है? तो मैडम, पहला तो मैं आपके चैनल का, मीडिया वाले का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारी बात जड़ी है वो कवरेज कर रहे हैं। आज सब तो पहला मैं गुरु महाराज के गुरपुरब दी आप लोगों को, सभी किसान साथियों को मुबारक देता हूँ। आपने सवाल किया कि आपकी मांग क्या है। मैडम, ये मोदी है, इसने बोला था 15 लाख रुपए मैं ताडे खाते च पाऊँगा, इसने बोला था 2 करोड़ नौकरियाँ मैं पर ईयर देवगा। सानू इसकी बात पे बहुता भरोसा नहीं है। ये कानून जिस तरह लागू हुए हैं वाया पार्लियामेंट, वाया राज्यसभा मेंबर, फिर बाद में एक कानून गए हैं राष्ट्रपति के पास, हम लोग उतना चिर नहीं उठेंगे जितना चिर ये फाइल बना के
तो उन्होंने कानूनों पूरा रद्द नहीं कर लेंगे, तो बाद उसके बीच में जो है ना MSP गारंटी नहीं देते, उसके बाद हम यहाँ से उससे उठेंगे। ये हमारी सबसे बात है जो हम कर रहे हैं, MSP की गारंटी चाहिए। अब किसानों को सरकार से चाहिए MSP की गारंटी, जब तक वो नहीं मिलेगी ये लोग यहाँ से नहीं उठने वाले हैं।